अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. आई एम सो हैप्पी कि हमारा जो कॉलेज है, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बट दे डोंट जस्ट फोकस ऑन एकेडमिक्स, दे वांट अस टू गो आउट एंड एक्सपीरियंस थिंग्स. हम लोगों ने थोड़ा लेट हाइकिंग स्टार्ट की थी क्योंकि हम मैनेजिंग टीम में थे, लेकिन अबाउट 1.5 आवर में हमने हाइक पूरी की और हमारी टीम फर्स्ट आई है. तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा भागे भी थे, बहुत टफ हो गया था, बीच में हमने थोड़ा स्लो कर दिया पेस अपना, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक साल के बाद हो रहा है तो हमने बहुत एंजॉय किया. साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एक दूसरे कोई रुकता था उसके लिए वेट करते थे, फिर किसी को हाथ पकड़ के कहते थे आओ आओ ऊपर आओ, मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करना पड़ता था, वरना अगर आप अकेले होते हो तो आप बोर होते रहते हो और आपका दिल नहीं करता आगे जाने का. देयर वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो हम इधर आए हैं, टीम्स बनी हुई थी डिफरेंट, हर ईयर के हिसाब से जो है 10-10 बंदों की टीम थी. तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई तो नहीं कर सके बीइंग अ फर्स्ट ईयर, लेकिन अच्छा था. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन हाइकिंग पे बहुत मज़ा आ रहा है और इन्जॉयमेंट भी हो रही है, काफ़ी फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला किया है. आज का इवेंट काफ़ी अच्छा था, जो पिछले दिनों रिजल्ट भी आया था उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस था, जो स्टूडेंट्स थे वो मेंटली डिप्रेस थे, लेकिन ये एक इवेंट है, ये एक किस्म का उनके लिए एक डोर बेयर टू बेटर माइंड, इट्स काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग. सब लोग आपस में जुल मिल रहे हैं, उसके साथ भी अच्छा हो रहा है, तो ओवरऑल अच्छा इवेंट हो गया. थोड़ी पढ़ाई से भी डाइवर्जन हो गई, अच्छा है हमारे लिए, पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती है हमारे लिए, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा. और फिर सारे मिलके टीचर्स स्टूडेंट्स फैकल्टी सारे एक साथ मिलके जो हाइक किए, तो काफ़ी अच्छा इंटरैक्टिव सेशन भी रहा, बाकी लोगों से ऐसे घुलना मिलना और काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए.